मॉर्निंग मॉर्निंग आइए, पहले ठाकुर जी का प्रसाद खाइए आप लोग शाम का। थैंक यू सर, इसी का आशीर्वाद है और आप लोग का आशीर्वाद है। 17 अप्रैल को मेरा बर्थडे है तो 56 साल में हो जाएंगे। आप लोग का इतना प्यार मिल रहा है, पूरा विख्यात हो गया है वर्ल्ड में। बस मिलते रहे और आप लोग आते रहे, आप लोग का मान पूना का आशीर्वाद यहाँ मिले और ये मान पूना का प्रसाद है और आप लोग सब आते हैं मान पूना का प्रसाद, उसका भेंट मेरे को देते हैं। बस इतना ही है। हम लोग आज अगर 50 साल से कंटिन्यू यही जैसा आइटम बनना, क्वालिटी बनना, ये मान पूना का आशीर्वाद है। मेरी कैपेसिटी नहीं थी जैसा बना सकते। आप कितने दिन से हैं इसको? 38 ईयर्स मेरे को बैठ के हो गया। नहीं, 38 साल से मैं यहाँ पे सिटिंग में बैठा हूँ और 38 साल में एक दिन मेरा एब्सेंट अभी तक तो नहीं है। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के तुम्हारा टाइटल थंबनेल देखे बुझे गेছো যে আজ আমরা কোথায় ভিডিও করতে চলে এসেছি। আজকে চলে এসেছি সেই রাগী কাকার কাছে। এর আগে করেছিলাম রাগী মাসির কাছে, আজকে চলে এসেছি কলকাতা বড় বাজার লালি ছাঙ্গানির ক্লাব কচুরি খেতে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সোজা চলে এসেছি বড় বাজার। তার কারণ হচ্ছে ফেমাস ছাঙ্গানিজির ক্লাব কচুরি আজকে টেস্ট করব। কারণ ছাঙ্গানিজিও কন্ট্রোভার্সির মধ্যে আছে আর এই কচুরিও কন্ট্রোভার্সির মধ্যে আছে। এই কচুরি খেলে নাকি লোকের হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায়। এর আগে আমি ভিডিওতে দেখেই এসেছি এখানে। এখানে তো সব লোককে জিজ্ঞাসা করবো তারা কতদিন ধরে কচুরি খাচ্ছে, কচুরির টেস্ট কেমন, কচুরি খেলে কি হয় না হয় সব কিছুটা যে চুলচেরা বিশ্লেষণ হবে। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো আজকের এই ভিডিওটা। তো ভিডিও শুরু করার আগে তোমরা যারা আমাদের চেনো না, আমি কৌশিক, আমি পাপিয়া, তো তোমরা দেখছো আরকে ফুড এন্ড ট্রাভেল, তো স্টে হাই অন হাওড়া। সকাল সকাল চলে এসেছি লালি ছাঙ্গানি ক্লাব কচুরিতে। তো এখানে স্যার সবে এলো, এখনো স্টার্ট হয়নি দোকান, কিন্তু এখানে সেলফি স্টার্ট হয়ে গেছে। বুঝতে পারছো কত ব্লগার সোজা সোজা চলে এসেছে এখানে, কত ক্রাউড। हाँ बेटा, तुम इधर आओ, सूप करो, इधर आ जाओ बेटा। एक एक बच्चे ऐसे भूल हो जाएगा सर, सब ले लीजिए भैया, एक मिनट सब ले लीजिए। आप ही लोग सब कर रहे थे, लेट हो गया ना, हम तो पहले ही बैठ जाते हैं। कोई बात नहीं, कचुरी देवर स्पीड टा देखो तुम्हारा। सुधु वेलकम बेटा, एक मिनट एक मिनट। खाने का है 100 रुपया का है, 2 चले 120 एक भूख 60 रुपया दीजिए भैया, 120 भाई ऐसा कर लो। अंदर उनका भाई चार 26 का लोगे, 5 जिले में कर दिया 16 6 22, तो 4 गया 26 को ही 5 जिले में दिया। आप अपना ध्यान रखिए, यहाँ दो रुपये जिले में है। झूठा पता में दिया, खाली सब्जी मांगे तब बोले 2 पीस देना, 2 पीस चाहिए उसको पता, हम उसमें नहीं देंगे, झूठा पता में नहीं देंगे। आप तो दिए सब्जी उनको, जब वो 2 पीस मांगे वो बोले खाली सब्जी दीजिए पहले, तब बोले तो भाई साहब मैंने भी 4 बार आपको बोला झूठा पता में हम लोग नहीं देते हैं। अरे हमको नहीं बोले, नहीं नहीं आपने सुना भी होगा, आप 2 पीस दूसरा में लीजिए ना, आप दूसरा में लीजिए, उसको कोई एक्स्ट्रा पैसा थोड़ी ले रहा। अरे हमको क्या परेशानी है, झूठा पता में मत कुछ मांगिए। अरे 2 पीस अब आप पकड़िए, आप इतने फेमस हो गए हैं और दूसरा आउटलेट खुलने का मन है, यही चलेगा। आपको क्या लगता है सर, अगर हम जिस दिन आउटलेट खोल लेंगे ना, हाँ। या तो वो अच्छा हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। बैठने अभी आप क्या बोल रहे हैं कि लाली छंगानी होने से ही कचौड़ी खाएंगे, हाँ। हम तो एक ही जगह बैठ पाएंगे, हाँ। ये ठाकुर जी का स्थान ठीक है और कुछ नहीं खोलना है। हर रोज कितना निकलता है? कोई भी कस्टमर आता है उसको रिटर्न नहीं करते, जो आता है उसको खिला के भेजते हैं। आपका क्या है? एक प्लेट 40 रुपये दीजिए। पार्सल है आपका? आप थोड़ा सा इधर रहिए, भैया का बैलेंस लीजिए। आपका एड्रेस बता दीजिए। 18 नंबर वैशाली स्ट्रीट नीमू तल्ला, बोर्ड में भी लिखा हुआ है। दुकान हर रोज खुला रहता है? गरीब आदमी है मैडम, भाई नहीं खोलेंगे तो खाएंगे किसे? प्राइस बता दीजिए। 10 रुपया पीस कचौड़ी, 10 रुपया पीस जलेबी। और क्या मिलता है इधर? बाकी मेरा मिठाई का दुकान है। अच्छा अच्छा, भुजिया। अंकल ये सब्जी काला क्यों है? क्योंकि बिकने का मसाला है इसमें,
हमारे यहाँ पे कोई भी चीज अब नमक भी बीकानेर से आता है, वही सब्जी में डालते हैं। कहाँ से आता है? बीकानेर। अच्छा, हम खुद बीकानेर के हैं। अच्छा, आपका होम टाउन? नहीं, हम लोग का, खैर मेरा जन्म कलकत्ता में, लेकिन हम लोग परिवार पूरा, पापा और सब, हम लोग बीकानेर में ही है। अच्छा। पापा एक्सपायर कर गए, बीकानेर के हैं। अच्छा। और बहुत जन बोलते हैं हम ये चाहते हैं कि बीकानेर से आके हमने यहाँ पे व्यापार किया है। हाँ। और इस तरह बीकानेर का और कलकत्ता में माँ काली का आशीर्वाद रोशन कर रहे हैं। माँ काली का आशीर्वाद यहाँ पे है और वहाँ पे माँ कन्नी और बहनाथ का आशीर्वाद है। मेरे बीकानेर और कलकत्ता मेरे लिए दोनों घर है। बीकानेर के हर बासिंदा को मेरा प्रणाम, और जो इतना प्यार वहाँ भी मिल रहा है जितना प्यार यहाँ मिल रहा है। बीकानेर का ही मट्टी से मेरे को आशीर्वाद मिला है, बहुत बहुत आप लोग का प्रेम मिल रहा है। कोई भी शख्स ऐसा नहीं सोचे कि लाली छंगा ने किसी को भी गलत बोल सकता है। छोटा सा आदमी हूँ पर क्या चीज का घमंड है। देने वाला ठाकुर जी, हर कोई खराब बोल रहा है, देने वाला ठाकुर जी है। आज अगर इस मोबाइल में आ रहा हूँ तो ठाकुर जी की कृपा है, मेरे को कोई कैपेसिटी नहीं। कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है आपका दुकान? आप कितना बजे आए? 7 बजे। इससे पहले हम लोग दुकान तो खुला हुआ था। हाँ। हम सुबह डेली 3:30 बजे आते हैं, 6:45 बजे जाके नहाते हैं, 3:30 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक ड्यूटी है। रात को भी यही मिलता है? 3 बजे से 8 बजे ब्रेड चौप आलू चौप, ऐसा 3 जनरेशन को मैंने कचौड़ी खिला दी। अगर मैं 38 साल से देखिए, आप तो बगल में आए ना भैया। अच्छा, वो उनसे पूछिए, दे दिए 500 रुपए। उनका भाई है, कितना साल से कचौड़ी के खा रहे हैं और कितना साल से आ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि आपके कचौड़ी खाने से हार्ट अटैक हो जाएगा। ये मैं कैसे बोल सकता, आप भी तो बोल सकते हैं। इतना अच्छा टेस्ट है, मतलब आप जो ना खाए वो पछता है। जो बोलता है वो सच नहीं बोलता। कोई आदमी का प्रोफाइल ऊपर उठता है ना तो बहुत से आदमी चलने वाले। अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं और कितना देर से वॉच कर रहे हैं कि मैं किसी भी कस्टमर से कोई गलत बात नहीं, नहीं, एकदम नहीं, नहीं। मान सम्मान प्रतिष्ठा सभी दे रहे हैं। हाँ। लेकिन कोई कस्टमर अगर मेरे को गलत बोलेगा तो मेरे को उसको बोलना नहीं, और उसको जो बोलता हूँ वो पूरा वायरल कर भैया। अभी मैंने इनको क्या बोला कि 2 प्लेट खाइए, मैं अपने आप पार्सल करूँ, लेकिन आप 10 आदमी के सामने बोलेंगे और मैं इनको बेलाइन दूंगा तो ये भैया मेरे को बोलेंगे। एकदम एकदम। लेकिन ये कस्टमर है मेरे और इनसे PRO है, हम वो दोनों को मेंटेन कर रहे हैं। एकदम सही बात, ठीक है सर। जो आदमी अपने पापा के सर में 300 रुपया और 400 रुपया पापा का, पहले आपका पापा बैठते थे यहाँ पे, पापा और हमने 12 साल एक फार्म में नौकरी की है। अच्छा, फार्म 300 रुपया मेरे को मिलता था, 400 रुपया पापा को मिलता था, तब भी ये दुकान थी, सब पापा बनाते थे, हम बेचते थे। देखिए मेरा एक छोटा भाई और आ गया। हाँ, तो सर आपका नाम क्या है? ललित कुमार छंगानी। अच्छा, आप छोटा भाई? छोटा भाई ललित। अच्छा, हम पहले देख के समझ गए, इसको बोल रहे थे, बोलो नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, वो कोई अलग हो नहीं। मैंने उनसे पूछा तब बोला कि नहीं वो मेरा भाई। कलाका स्ट्रीट नींबू तला गली के अंदर। अच्छा, कलकत्ता बड़ा बाजार। हाँ, बड़ा बाजार कलकत्ता 7। ओके। सकाल सकाल घूम थे आमी और पापिया तातारी उठेछि आज और चले एसेछि छंगानीजिर दोकाने। एटाई हलो सेई लाली छंगानी क्लाब कचुड़ी दोकान। तो सेखान थेके निये निएछि, एखाने 4 पिस कचुड़ी आछे, ভেতরে সবজি আছে, আর এখানে হচ্ছে ভুজিয়া দিয়ে দিয়েছে, আর তার সঙ্গে নিয়ে নিয়েছি 2 পিস জিলিপি। এর ভেতরে একটা জিলিপি আর বাইরে একটা দেখছো। ওই জিলিপির দাম নিচ্ছে 10 টাকা, আর এটাও পার পিস কিন্তু 10 টাকা করে, যেটা এটা টোটালটার দাম কিন্তু 40 টাকা। 10 টাকা করে এটা বলা যাবে না, কারণ সবজি ভুজিয়া সব কিছু নিয়ে এটা 40 টাকা দাম। তাহলে একটা জিলিপি আর 4 পিস কচুরি সবজি নিয়ে টোটাল 50 টাকা এটা দাম হচ্ছে। তো আজকে এখানে খাবো, মানে এই যে জায়গাটা নিয়ে, এই ছাঙ্গানি জিকে নিয়ে এত যে কন্ট্রোভার্সি, এই খাবার নিয়ে যে এত কন্ট্রোভার্সি, যে খাবার খেলে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায়, খাবার খেলে এই হয়ে যায়, ছাঙ্গানিজি গালাগালি দেয়। তো আজকে তোমাদের সামনে পুরোটাই তুলে ধরবো যে ছাঙ্গানিজি লোকটা কেমন আর এখানকার খাবারটা কেমন। তো দেখো, কচুরি মানে এর মধ্যে তেল থাকবে, এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার। অনেকে বলছে এর মধ্যে অয়েল ভর্তি আছে, এই আছে, সেই আছে। তো আমার যেটা বক্তব্য, কচুরি মানে তেল থাকবে, কারণ কচুরি জল দিয়ে হয় না, ঠিক আছে। তো প্রথমেই আমি এই এটা ফাটিয়ে দেবো। এটা কচুরির নাম, কিন্তু দেখতে ঠিক ফুচকার মতো, পানিপুরি যেটা বলে। তো ভেতরে দেখো পুর আছে, দেখো ভেতরে একটা পুর আছে। চলো এটা খেয়ে দেখা যাক, প্রথমে এটা শুধুই খেয়ে দেখি। বেশ মোটা কচুরি, কচুরিটা এই সবজি, একটু কচুরি আর ভুজিয়া একসাথে। এই কচুরিটা ময়দা, তার সঙ্গে অরুর ডাল আর সুজি, সব কিছু, মানে এই সব কিছু মিশ্রণ দিয়ে, তার সঙ্গে কিন্তু রয়েছে কালো জিরে। বেশ একটা অন্যরকম, মানে মুখের মধ্যে দিলে না একটা অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছে, কিছুটা সেই কুরুলি টাইপের, ভেতরের যে পোর্শনটা কুরুলি টাইপের খেতে লাগছে, আর ওপরটা খুবই ক্রাঞ্চি, তরকারির টেস্টটাও খুব সুন্দর। আর ভুজিয়া দেওয়ার জন্য কিন্তু একটা আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে এই কচুরির
মানে কচুরি টোটাল সবজি সব কিছু নেই তো চলো এত বক বক না করে খাওয়া যাক। প্রথমে হচ্ছে লোকটার মধ্যে একটা আলাদা স্টাইল আছে, লোকের সঙ্গে কথা বলার প্লাস ওনার ব্যবহার আমার তো বেশ ভালো লেগেছে। আর যদি খাবারের কথা বলো সকাল সকালে আমি ব্রেকফাস্ট করতে কার না ভালো লাগে। তারপরে আবার শাল পাতায় এর পরের আইটেম হচ্ছে এখানের যে বিখ্যাত জিলিপি। জিলিপির সাইজটা দেখো বেশ বড়, আর জিলিপি যে এই এই যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু আমি অনেক জায়গায় পাই না, এই যে এই সরু ব্যাপারটা। তারপরে কেশর দেওয়া আছে, হ্যাঁ কেশর তো আছেই, তো খেয়ে দেখা যাক। পুরো মুচমুচে জিলিপি, আওয়াজটা পাওয়া যাচ্ছে, পাওয়া যাচ্ছে আওয়াজ, হ্যাঁ দেখো। খাবার দাবারের কোয়ালিটি প্লাস টেস্ট আমার তো A1 লেগেছে, দেখা যাক আপনি আর কেমন লাগে। আর তোমরা অবশ্যই যদি এখানে আসো এখানে খাবার খাবে, আর আমার চ্যানেলে গিয়ে একটা জাস্ট কমেন্ট করবে যে তোমাদের কেমন লেগেছে। ফুচকা না কচুরি কি মনে হচ্ছে? আমার তো ফুচকা মনে হচ্ছে, তোমার কি মনে হচ্ছে? সত্যি ফুচকার মতোই, এর মধ্যে আমি এই যে তরকারিটা দিয়েছে সাংগানির দোকানের যে তরকারি যেটার জন্য সবাই এত এত ক্রেজ আর এত ছুটে ছুটে আসছে, তরকারির সঙ্গে যে এই যে ঝুড়ি ভাজা দেওয়া আছে এটা হলো ভুজিয়া, হ্যাঁ ভুজিয়া, তো একসঙ্গে আমি এর মধ্যে দেব, গিয়ে একসঙ্গে টেস্ট করে দেবো যেরকম ফুচকা বানায়। তুমি কি চাঙ্গানিজির ক্লাব কচুরি নিয়ে ফুচকা বানাচ্ছ? হ্যাঁ ফুচকা বানিয়েছি, শুধু টক জলটা নেই, তরকারি ফুচকা। হ্যাঁ কেমন, কি করে এই খাবারটাকে খারাপ বলে আমি তো জাস্ট ভাবতে পারছি। কি মনে হয় এটা খেলে হার্ট অ্যাটাক হবে? হবে হার্ট অ্যাটাক? যারা বলছে বলতে দাও, তোমরা সত্যি আগে নিজেরা ট্রাই করো, তারপরে তোমরা বিচার করো, তারপরে জাজ করো। কোনো কিছু না খেয়ে কখনো জাজ করা যায় না। কচুরিটা এতটা খাস্তা, কুড়মুড় শব্দটা ভালো মতো বলে যাচ্ছে। আর সত্যি কথা বলতে অয়েল তো থাকবে, কারণ কচুরি কিংবা ক্লাব কচুরি যাই হোক না কেন, লুচি যাই হোক, তোমরা তেল দিয়েই তো হবে, তেল ছাড়া কখনো সম্ভব? তরকারিটা মারাত্মক, ক্লাব কচুরির টেস্টটা দুর্দান্ত। আর এইটা আমি তরকারি দিয়ে খাওয়া যাক। এতক্ষণ দেখছি কামলি কামলি আসছে, সঙ্গে সঙ্গে 5 মিনিটও যাচ্ছে না, 2 মিনিটে পুরো সাবার, বুঝতে পারছো কিরকম ক্রেজ? আপ লোক ইধার ডেলি খাতে হো? ডেলি নেই খাতে হো? কেসা লাগ রহা হ্যায়? বহুত আচ্ছা লাগ রহা হ্যায়। চাঙ্গানি জি কো দেখা? হ্যাঁ। চাঙ্গানি জি কো কেসা লাগা? বহুত আচ্ছা। আপ লোক ইধার রোজ খাতে হো? রোজ তো ভালা, বাদ লাগিও চিজ। রোজ খাতে, টেস্ট কেসা হ্যায়? বহুত আচ্ছা হ্যায়। আপ ভিডিও মে দেখ রহা হ্যায় কি এ খানে সে হার্ট অ্যাটাক হো জাতা হ্যায়, এসা কুছ হোতা হ্যায়? जिसका उम्र जब मरना लिखा है ना वो तभी मरेगा। एकदम ठीक है, थैंक यू सर। कोई हार्ट अटैक होता है किसने कुछ नहीं होता। एकदम एकदम टेस्ट अल्टीमेट। এখানে দেখছো এখন অলরেডি 9টা বেজে গেছে, এখনো পর্যন্ত কত লোক লাইন দিয়ে খাচ্ছে। जो बिजनेस समझेगा वो यही करेगा आपके पास, उसको बिजनेस करा के देने को शोरूम वैसा रहेगा, वो इस तरह पापा का तरह पता नहीं पकड़ पाएगा। सर आपने 500 रुपया दिया तो मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, अच्छा आफ्टर छुट्टी का यहाँ बिना खाए तो हाँ, अभी मैं बागुवेटी रहता हूँ, लेकिन अगर सुबह आता हूँ इधर कोई भी काम से बिना खाए जो क्रेविंग है ना तो इधर खींच के चले जाते हो। ये कितना साल पहले पढ़ता था तब से, कितना साल पहले कौन खिलाता था और आज भी कौन खिला रहा है? नहीं सब जाते हैं आज भी अंकल, तो इतना दिन से खा रहे हो कोई खराब लगा कभी? क्रेविंग है तब ना, मैं बागुवेटी रहता हूँ, टेस्ट का कोई बदल नहीं हुआ? सब बोल रहा है की ये खाने से हार्ट अटैक हो जाएगा, आपका कुछ हुआ है ऐसा? हम भी तो खाए है, बहुत ही अच्छा है, ये आदमी तो पूरा खा रहा है। मैं तो बागू बट्टी में रहता हूँ, मैं जब आता हूँ अर्ली मॉर्निंग इधर कुछ भी काम से बिना खाए मैं जाता हूँ। तो देखिए मैं आपको जो बात बोलूँ, आपने खाया जलेबी तो? हाँ एक मिनट, आपने खाया 10 रुपये में ओरिजिनल देसी घी का ओरिजिनल केसर का जलेबी, आप हिंदुस्तान में ऐसा कहीं खा लिया? जब पापा के संग 30 रुपये की नौकरी करते थे तो खाने का इच्छा था तो पैसा नहीं था, और आज पैसा है और खुद बन रहा है तो भी नहीं खा पा रहे, ये ठाकुर जी का देन है।
उसके बजाय कोई नहीं खा सकता ना, पैसा नहीं था तो खाने का इच्छा था और आज है तो भी नहीं खा पा रहे। चार प्लेट तो देखिए ऐसे सब लोग गलत हमको करवाते हैं, उन्होंने आके क्या बोला हमको देना होगा। भैया तो मेरे को दोस्त देंगे ना? हाँ दोस्त देंगे। अब देखिए 500 का नोट लेके आया जानबूझ के, या विश्वास कीजिएगा कुछ एक चंद कस्टमर का नेचर ऐसा है कि मेरे को डिस्टर्ब करता है, मैं आपको सही बोल रहा हूँ। चाचू साठ रुपया दीजिए उनको, लेकिन मैं अपना पैसेंस रख के दुकानदारी करता हूँ। ये आज का नहीं, इनका डेली का रूटीन है, 500 का नोट दे देंगे आप। अदरवाइज मत लो, 20 आदमी खड़ा मैं आपने पहले क्यों छोड़ू? 20 आदमी लाइन में खड़ा है नहीं, मैं आपने पहले क्यों दूँ कि ले दूँ? थोड़े अगर जल्दी है तो पहला हो, आज बात अच्छी ढूंढ रखो। नहीं मैंने 8:50 की ट्रेन पकड़ ली है। फिर भाई बात तो आपने 8:50 की ट्रेन पर, आप 8 बजे का छोड़ी लेना हो नहीं प्लीज सर, अब कभी भी मैं कॉल नहीं कर सकूँ। आप ही तो बोल रहे हो कि मीडिया सामने खड़ी है, तो गलत तो मैं कर रही हूँ, मैं आपसे दे रही हूँ। नहीं मीडिया सामने ठीक है, ठीक है, नहीं 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 भाई का दूर है। अंकल आपको एक बात बोलो, रिक्वेस्ट कर, देखिए हर समय मीडिया मेरे यहाँ रहती है, अगर मैं गलत करूंगा ना तो लोग सब गलत नहीं तो वीडियो देखते। तो देखिए अभी लोग यहाँ पे खड़े और आपको इधर से देना पड़ रहा है, गलत हो जा रहा है। मैं गलत नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ठीक। ये भैया बोलेंगे कि आप बेला उनको क्यों दिए, चले दे दीजिए 10 करोड़ दो जने की आप लोग पॉजिटिव दिखाइए, एकदम एकदम नेगेटिव दिखाने दीजिए। और हर आदमी पॉजिटिव दिखाएगा तो गलत है, तो गलत है। अगर नेगेटिव दिखाएगा तो अपने आप और सुधारेंगे, हां एकदम, और कोशिश करेंगे अच्छा करने का। तो क्लब कचुरी दाबिए खेलाम, ठीक है, আমার কোনো রকম কোনো প্রবলেম হয় না। আর মানে তেলে জিনিস খেলে যেমন হয় অ্যাসিডিটি হয়ে যায়, এই হয়ে যায়, সে হয়ে যায়, তো খেলাম, খেয়ে দিয়ে বিন্দাস ভিডিও করলাম, কোনো রকম কোনো প্রবলেম নেই। এই যে তোমরা যারা ভুলভাবে ভিডিও করে ভাইরাল করছো এই ছাঙ্গানিজিকে, এরকম ভুলভাবে ভিডিও করে ভাইরাল করো না, ঠিক আছে, যেটা অরিজিনাল সেটাই বলো। এই তোমরা বলছো প্রচুর তেল, এই সেই হ্যান ত্যান, তো কচুরিতে তেল থাকবে না তো কি জল থাকবে? এটা তারা ভাবার বিষয়। খেলাম উপরন্তু নিয়েও যাচ্ছি, তো এখানে আমরা নিয়ে নিয়েছি জিলিপি, নিয়ে নিয়েছি কারণ জিলিপিটা মাস্ট খেতে, সবটাই ভালো। ভাবলাম যে নিজেরা খেলাম, একটু ঘরের লোক খাবো না, তো তাই নিয়ে যাচ্ছি। কচুরিটা নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ঠান্ডা হয়ে যাবে, কিন্তু জিলিপিটা দেখলাম ঠান্ডা অবস্থাতেও পুরো মুচমুচ করছে। হ্যাঁ তো বেশ ভালো লাগলো আমার খেয়ে। আর যারা ভুল ভিডিও করছো তারা একদমই করো না, এখানে আসো, খাও দাও, তারপরে বিচার করো। এসব বেকার কমেন্ট যারা করছে তাদের সেই ভুল কমেন্ট দেখে এটাকে বিচার করো না। আর যার নাম আছে তার বদনাম আছে। তো যাই হোক আমরা এসেছি, আমার তো খেয়ে দারুণ লাগলো, এবার পাপে একটা কিছু দেন। আমি এক কথাই বলবো, ছাঙ্গানিজির খাবার টু গুড, আর অবশ্যই তোমরা এখানে ভিজিট করো। আর অবশ্যই বলো কিরকম লাগলো তোমাদের এখানের খাবার। তো ভালো ক্লাব কচুরি খেতে গেলে কোথায় আসতে হবে? না বড় বাজার ছাঙ্গানিজির দোকানে। আর ভালো ভিডিও দেখতে গেলে তোমাদেরকে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব আরকে ফুড অ্যান্ড ট্রাভেলকে করতে হবে। আর যারা ফেসবুক থেকে দেখবে তারা অবশ্যই ফলো করবে। তো দেখা হচ্ছে পরে অন্য কোনো ভিডিওতে, আপাতত টাটা।